बिग बॉस करने का मन करता है आपका? नहीं कभी नहीं, वो एंड है। जिसने बिग बॉस कर लिया समझ लो एंड हो गया इसका। अगर अभी ऑडियंस सोच रही होगी वीडियो की शुरुआत से, यार कपड़े ये कैसे पहन लिए इंटरव्यू में, कुछ और बेटर हो सकता था, तो क्या बोलोगे आप? अरे जी मैं कहता हूं इंटरव्यू मत ले, मैंने कहा तेरे को इंटरव्यू लेने के लिए आपको सैंडविच आ गया। ना ना भाई हो गया, शुरू करें ठीक है। तुम ये जो बाकी के जो चुतियाप करते रहते हो ये बंद कर दो तो जिंदगी में कुछ कर सकते हो। मैंने कहा पढ़ाई से भाग के आए थे थिएटर करने, एक्टिंग करने के लिए। मेरे को एक दो दोस्तों ने टोका भी है कि तेरे को देख के लगता नहीं है तू एक्टर है, तेरा रहने वहने वाला कोई एक्टिंग वाला स्टाइल। मैंने स्टाइल की क्या जरूरत है, एक्टिंग करनी है ना, एक्टरों की तरह थोड़ा थोड़ा ये वो, मतलब ये वो ये सब वो अपनी मर्जी से, कभी दिल करा दिन में ही बंद कर देता था। बात है तो कम से कम वो आजादी मानती है, यहाँ तो ये बंद ही नहीं होगा महीने में, साल 25-28 दिन लगे हुए हैं। सीधा या तो गाली देता हूँ, गाली हाँ, जैसे सुबह उठे तो सबसे पहले अपने आप को गाली, देखा ऐसी तैसी करा ली, बोल देंगे मना किया था कि इतना नहीं पीना है, सुबह रिहर्सल में जाना है। तो उधर टर्न कर देगा तो पंकज पारेषर बैठे हुए थे, लगे देखो ये चूतिया डेविड धवन की फिल्म स्क्रिप्ट मांग रहा है कि तुम्हारे को 5 लाख रुपए का ये लैपटॉप चाहिए और वो चाहिए, उससे काम चलाओ, आज पापा ड्रिंक करें। अरे ले जब बेटा किसका है तू, सुबह जाकर ले लियो, समझे नहीं तो वो तो कहते, वो कई बार क्या है ना ड्रिंक कर रहे हो तो वो परेशान हो जाते हैं, यार इनको पिलाओ यार, इनका बहुत हिसाब किताब चल रहा है, ये भी मत करो वो भी मत करो।